आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैंने आईटीआई से संबंधित जो क्वेश्चंस, जो क्वेरी एक स्टूडेंट के दिमाग में, एक ट्रेनीज के दिमाग में या आईटीआई करने वाले बच्चों के दिमाग में आता है और वो पूछते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक लिस्ट मैंने इस बोर्ड पर तैयार किया है। और आपको आगे के क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम लोग आगे सेफ्टी से संबंधित क्लास करेंगे, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड या कोर्स से संबंधित जो क्लास आगे होगी, उससे पहले हम लोग इसके बारे में एक बार प्रीव्यू, ऐसे आप लोग जानते होंगे ये सारा चीज जूझते हैं, बावजूद इसमें कई तरह के क्वेश्चन रेज होता है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो पहले समझ लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले 10th के बाद आईटीआई करना उचित है क्या, ये सवाल रहता है। तो आजकल आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आईटीआई के ऊपर फोकस कर रहा है। क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि इसमें एक स्किल का ट्रेनिंग होता है और जो थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड है, और इसका जो कोर्स डिजाइन है वो 12th का एक वैलेंट इसको बना रहा है। इसलिए दोनों ही सरकारें, भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आईटीआई को 10th के बाद करने पे 12th के इक्विवेलेंट मानती है। अतः मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज के लिए आईटीआई करने का डिसीजन लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा आप कई सारे जगहों पे वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे, मेट्रो रेल, जैसे HPCL है, BPCL है, गेल है, भेल है, सेल है, ONGC है, इस तरह के कई सारे नवरत्नास कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज में आपको जाने के लिए एक मार्ग, एक रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पे समझते हैं, ITI होता क्या है। जैसा कि आईटीआई के बारे में तो जानते ही हम लोग, आईटीआई होता क्या है। आईटीआई अगर नॉर्मली साधारण शब्दों में कहा जाए तो आईटीआई एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर प्लेस है, जहां पे आप लोग इंडस्ट्रीज के डिमांड के अनुसार ट्रेड बनाया हुआ है और उस ट्रेड के अंतर्गत एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है नीमी के द्वारा, और उस सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जहां पे औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और इम्प्लायबल बनाने के लिए वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ आजकल के आईटीआईज का मोटो आपका जॉब क्रिएशन के साथ साथ जॉब क्रिएटर बनना है, यानी कि इम्प्लायबल भी बनना है और इंटरप्रेन्योर भी बनना है, यानी कि उद्यमिता स्टार्ट करना है, कोई व्यवसाय शुरू करना है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर आईटीआई के कोर्स आजकल डिजाइन किए जा रहे हैं, आजकल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आईटीआई का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी साफ उद्देश्य है, आईटीआई की स्थापना ही इसलिए हुई कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कल कारखाने बन रहे हैं, उसमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। स्किल्ड पर्सन यानी कि ट्रेंड व्यक्ति, जो कोई मशीन से संबंधित कार्य कर सके, उसको परफॉर्म कर सके, यानी कि जो ग्रोइंग डिमांड है, जो वर्ल्ड वाइड डिमांड आ रहा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्किल्ड मैन पावर तैयार करना, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है इंडिया का, देख रहे हो पॉपुलेशन अधिक है, तो इतने पॉपुलेशन के हाथ में काम प्रोवाइड करवाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें स्किल्ड बनाया जाए। अर्थात हमारा दोनों उद्देश्य पूरा हो रहा है, एक तो कंपनी के ग्रोइंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ रोजगार क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा है NCVT क्या होता है। NCVT जैसे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग,
यानी कि एक बोर्ड समझ सकते हैं इसको, एक बोर्ड है जो आईटीआई करने के बाद सर्टिफिकेशन करती है। कहीं भी आप ट्रेनिंग करेंगे, किसी भी तरह का कोर्स करेंगे, तो कोई ना कोई एक बोर्ड होता है। जैसे आप 10th में बिहार बोर्ड से किए हों या सीबीएसई बोर्ड से किए हों, तो जिस तरह से ये बोर्ड है जो आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेशन करता है, ठीक उसी प्रकार आईटीआई करने के उपरांत ट्रेनिंग और में प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल एग्जाम होता है, और उस एग्जाम के आधार पर आपका सर्टिफिकेशन होता है। उस बोर्ड को हम लोग एनसीवीटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एससीवीटी क्या होता है? एससीवीटी अर्थात स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि यह भी एक सर्टिफिकेशन बोर्ड है, सरकार के राज्य सरकारों के द्वारा कुछ जगहों पे या कई इंस्टीट्यूट है जो कि एससीवीटी से सर्टिफिकेशन किया हुआ है, यानी कि उसका जो अफिलिएशन होता है, अफिलिएशन ही दो तरीके का होता है, एक एनसीवीटी अफिलिएटेड और एक एससीवीटी अफिलिएटेड। जो एससीवीटी अफिलिएटेड होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले आईटीआईज होते हैं, उसका सिलेबस और ट्रेनिंग पैटर्न भी एनसीवीटी की ही तरह है, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन स्टेट अपने स्तर से करती है, उसका एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग होता है, प्रश्न और उत्तर ट्रेनिंग एक जैसा होगा, लेकिन क्वेश्चन और आंसर्स जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कुछ डिफरेंस होती है, और उसका सर्टिफिकेशन राज्य सरकार करती है, इसलिए उसको हम लोग एससीवीटी कहते हैं। निमी क्या होता है? निमी निमी का अर्थ होता है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मतलब डीजीईटी भारत सरकार की जो संस्था है, जो एमएसडी के अंतर्गत संचालित है, वह आईटीआई के कोर्स डिजाइन करने के लिए, सिलेबस डिजाइन करने के लिए एक संस्था बनाई है जिसका नाम है निमी। यह डिफरेंट ट्रेड डिफरेंट इंडस्ट्रीज को स्टडीज करके किस तरह के वर्क पावर मैन फोर्स की आवश्यकता है, किस तरह की स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है, उस हिसाब से उसका एक कोर्स डिजाइन करती है और उस कोर्स का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मटेरियल देती है। उस संस्था को हम लोग निमी कहते हैं, और जितना भी ट्रेनिंग होता है निमी पैटर्न के आधार पे, निमी जो डिजाइन की करती है कोर्स, उसके आधार पे ही आईटीआई के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम लोग एमएसडी क्या होता है? एमएस एमएसडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। जो भी स्किल डेवलपमेंट का कार्य होता है इंडिया के अंदर, सारे एमएसडी भारत सरकार का मंत्रालय है, इसके अंतर्गत ही सारा फंक्शनिंग होता है। जितने तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्किल से संबंधित है, स्किल्ड करता है, उसका कहीं ना कहीं कंसर्न एमएसडी के द्वारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि स्किल का डेवलपमेंट होता है, और उद्यम खड़ा करने के लिए, रोजगार परक शिक्षा देने के लिए या रोजगार जनरेट करने के लिए, आजकल सरकार की जो जोर है वो रोजगार सीकर न होकर जॉब सीकर न होकर जॉब प्रोवाइडर बनने का है, तो कैसे आप बन सकते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह का प्रोग्राम, और इसके सारे टूल्स हैं जो कि एमएसडी के अंतर्गत कार्य करते हैं। डीजीटी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग। डायरेक्टर जनरल भी भारत सरकार का है, जो कि आईटीआई से संबंधित या अनस्किल्ड ट्रेनिंग से संबंधित मान्यता प्रोवाइड करवाती है, और सारा चीज का कंट्रोल डीजीटी के द्वारा होता है। पहले इसे डीजीईटी के नाम से भी जानते थे, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, लेकिन अब इसे सिर्फ डीजीटी के ही नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ट्रेड ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक बहुत ही कॉमन है, जिसे हम लोग हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। जैसे ही आईटीआई में इन होते हैं, सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि कौन सा ट्रेड लेना है। ट्रेड यानी कि व्यवसाय।
इसका सीधा अर्थ है जो इंडस्ट्रीज में डिमांड है उस डिमांड के अनुसार कई सारे ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। करीब 60-62 ट्रेड्स हैं जो आईटीआई के अंतर्गत चलते हैं। करीब 150 ट्रेड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्ड प्रोग्राम के तहत उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से जैसे कॉमन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, इस तरह से कई सारे ट्रेड्स हैं, यानी कि उससे संबंधित उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेड्स के बारे में और ट्रेड्स का क्या स्कोप है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रेड्स है और उस ट्रेड में किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या स्कोप होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल इतना ही, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और इसे जानना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप इसे शेयर कीजिए और उन बच्चों को जो 10th कर चुके हैं और आईटीआई करना चाहते हैं या आईटीआई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उन्हें शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आईटीआई से संबंधित अन्य वीडियो अक्सर आपके सामने लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू।